क्या कर रहे हैं? रोपा लगा रहे हैं। रोपा लगा रहे हैं। क्या ही सुंदर लग रहा है, देखिए खेतों के बीचों बीच में हम लोग इधर जुताई करने के लिए आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग के व्यवस्थे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं एकदम अचानक से निकल रहा हूँ एक भैया के, जो दोस्तों उनका जो परेशानी था, उनका जो खेत है बहुत अंदर एरिया में है जिसमें से बैल वैल नहीं घुस पा रहा है, तो उनके खेत को जुताई करने के लिए जा रहा हूँ। और भैया को आप जानते हो तो मिल लीजिए भैया से। हाय, कैसे परेशानी हो जा रहा था? अरे बैल नहीं घुसता है, बीच में हो गया धान, सब तरफ से मतलब गिर गया है। अच्छा, तो नहीं बन पा रहा है, तो विपिन भैया को लेके जा रहा हूँ अभी, जो तो आएंगे वहाँ पे। चलिए, तो फिर क्या है कि परेशानी में थे और मेरे पास मेरा बाहुबली ट्रैक्टर है, पावर डीलर है, तो जान रहे थे कि मैं जितना भी काम करता हूँ सब बाहुबली से करता हूँ। तो मेरे को फोन लगाया सुबह ही और मेरा खेत को कंप्लीट कर दो क्योंकि रोपा लगाना है। अभी जो मौसम है पूरा बादल बादल है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है और धूप जो है तरीके से है दोस्तों, देख लीजिए पूरा मौसम खुला हुआ है। तो इनको जो है ना आज ही रोपा लगा के कंप्लीट करना है। तो मैं जा रहा हूँ खेत और वहाँ पे जा करके इनका जो खेत को मैं अच्छे तरह से तैयारी कर दूंगा। और बाहुबली अपना पीछे में यहाँ पे है, लेके जा रहे हैं वहाँ, पटलर लेके जा रहे हैं, कादो करेंगे और वहाँ पे रोपा लगाने के लिए पूरा तैयारी करेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर दीजिएगा। और कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो देखते हैं अभी भैया का खेत कितना बड़ा है और वहाँ किस तरह से हम लोग कादो करेंगे और आप लोगों को वहाँ जाके सब कुछ जानकारी दूंगा कैसा है कैसा नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरा बाहुबली ट्रैक्टर कैसा है, कितना साल हो गया है और कितना HP का है, मैं कितना में खरीदा हूँ। तो इनका खेत जाते हैं और वहाँ पे काम करते करते आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। पहुंच चुके हैं भैया का घर पटरी पानी, तो यहाँ से जाएंगे अभी खेत की ओर ले चलेंगे। पटलर लेके आए हूँ, रोटावेटर भी लेके आए हूँ। अब देखते हैं अब खेत का कंडीशन कैसा है। अगर मिट्टी टाइट है तो एक बार जो है ना रोटावेटर से करना पड़ेगा, अगर मिट्टी ढीला है तो पटलर से पूरा कादो कर देना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, जा कर के पता चलेगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा आज किस तरह से मैं भैया का खेत को जुताई करता हूँ, देखते रहिएगा। तो पहुंच चुका हूं इनका खेत जहां पे मेरे को अभी जुताई करना है। ये वाला खेत को जुताई करना है दोस्तों, देख रहे हो ना पूरा घास हुआ है और बड़ी ट्रैक्टर से कम दो या तीन बार किया हुआ है। ठीक है, तो बस मेरे को अभी इसमें कादो करना है। ये खेत है और वो खेत है, तो अभी पटलर लेके आ रहे हैं, पटलर इसमें लगाना है, फिर इसको पूरा कदो कदो करना है दोस्तों। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि चिखला खेत में चलता ही नहीं चलता है, तो चिखला खेत में अच्छे से चलता है दोस्तों। और जी ये जो गाड़ी है ना 8.5 HP का है, 7.75 HP दोस्तों, तो फिर बहुत ही अच्छा पावर है वो, तो चलेगा तो भी पता चलेगा। देखिएगा मैं इसको 3 साल से रेगुलर चला रहा हूँ, हर एक खेती बाड़ी सीजन में इसको मैं निकालता हूँ और इसी से जितना भी दोस्तों खेती बाड़ी का काम है जो मैं उठाता हूँ। तो अभी पटलर लगाते हैं, तो आज समस्या का हल होने वाला है। होगा, बढ़िया होगा। इधर पूरा घिर गया है धान से, इसीलिए मंगाया हूँ विपिन का। हाँ देखिए पूरा, हाँ पूरा बीचों बीच में खेत है, सब तरफ जुताई हो चुका है, तो अभी इसमें अभी चलाएंगे हम लोग। बड़ा परेशानी है दोस्तों, झगड़ा हो जाता है इससे में, इसीलिए ट्रैक्टर नहीं डाल रहे हैं, छोटा ट्रैक्टर बन गया, उठा के लाए। तो सब कुछ सेट हो चुका है, देखिए पटलर इस तरह से लगाते हैं दोस्तों। ये मिट्टी पूरा ढीला है तो हम लोगों को जो है पटलर इधर से लगाना है क्योंकि इधर से हमको कदो करना है, कीचड़ करना है। अगर ये मिट्टी टाइट रहता तो दोस्तों हम लोग को इधर से लगाना पड़ता है कि मिट्टी को कोड़ते हुए जाता, तो ये बेस्ट लगा हुआ है। अब देखते हैं अभी पूरा जुताई करना है, कितना कादो होता है अभी इतना दिख रहा है, जुताई करने के बाद कितना दिखे देगा। तो आप लोग जो है बने रहिएगा, अब देखते हैं भैया का काम उठाते हैं। और इधर का जो नज़ारा है दोस्तों क्या ही सुंदर लग रहा है, देखिए खेतों के बीचों बीच में हम लोग इधर जुताई करने के लिए आए हुए हैं और आज हम लोग बाहुबली ट्रैक्टर का पावर देखेंगे। 8.5 HP का है, कैसे जुताई करेगा, देखते रहिएगा बने रहिएगा। और तेल जो है हम लोग दोस्तों पूरा टैंक फुल करके लाए हैं, लगभग इसमें 3 लीटर होना चाहिए क्योंकि जो टैंक है ना वो 3 लीटर का ही है, तो फुल करके लाए हैं हम लोग। देखते हैं 3 लीटर में कितना हो पाता है, अगर ख़त्म हो जाएगा तो इधर नज़दीक में दुकान है, भरना तो पड़ेगा। बने रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। अभी चालू हो चुका है, अब जुताई स्टार्ट करें।
वो देखिए दोस्तों, विपिन भैया को हम लोग लेके आए हैं। देखिए इधर सब्जी सब्जी भी मिलेगा, खेत का जुताई भी होगा। देखिए घूंगी सब्जी ऐसे होता है खेत में, देखिए इसको खाया जाता है दोस्तों, इसका चिकन अच्छा लगता है। इस मशीन को दोस्तों कोई ना कोई देख के चलाने की इच्छा करता है, तो ऐसा ही जो है ना अपना अगस्टिन भैया है, वो भी चलाने के लिए उसी समय से हो रहा था, तो अभी चला के देख रहा है और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से चला रहा है। ठीक है, तो देखिए सादो होते ही आ रहे हैं। फिर देखो आय कर दो, क्या कर रहे हैं? रोपा लगा रहे, ठीक से लगाना ना। तो कंप्लीट होते ही आ गया, हो ही गया है। तो अभी जो है दोस्तों समय 12 बज गया, तो जो है हम लोग अभी लंच छुट्टी के लिए जा रहे हैं और कंप्लीट होते ही आ गया, बस को एक बार करना है, उसके बाद पूरा कादो हो गया है। और अगस्टिन भैया आप लोगों को दिखाया कि बीच बीच में किस तरह से रोपा लगा रहे हैं, और थोड़ा सा अगस्टिन भैया से पूछते हैं कि उनका खेत जो है ना खेतों के बीचों बीच में है, किस तरह से परेशानी से गुजरना पड़ता है, बताइए भैया कैसे तो, गुजर। अरे अच्छा हो गया अभी काम, क्या है बीचों बीच में खेत था तो बैल डालते ना ट्रैक्टर डालते नहीं बन रहा था, तो विपिन भैया अच्छा से हेल्प किया, अभी हम लोग अच्छा से कीचड़ किए, अभी रोपा भी लग जाएगा तो ठीक लगा क्योंकि हो गया मेरा काम। हाँ, तो अभी बात बाकी जो बचा खुचा है उसको भैया खुद चला के कंप्लीट करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जहाँ पे बड़ी ट्रैक्टर नहीं जा सकती है वहाँ पे छोटी ट्रैक्टर जा करके जो अधूरा काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को पूरा दिखाया शुरू से आखिरी तक, तो अभी आधा काम बचा हुआ है, अभी छुट्टी करते हैं, जाते हैं हम लोग घर। जा रहे हैं दोस्तों अभी घर, आप लोगों को दिखाया शुरू से लेकर आखिरी तक और थक भी गए क्योंकि दो खेत को तैयार करना था और दोनों खेत को तीन बार तक पूरा फुल कदो करना था क्योंकि आज ही रोपा लगाना था, तो हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोगों के स्लोक के माध्यम से दिखाया दोस्तों कि हम लोग जो है ना किस प्रकार से इस मशीन के द्वारा, इस ट्रैक्टर के द्वारा, ये पावर टिलर के द्वारा किस तरह से काम उठाते हैं, आपका हो या फिर किसी का भी हो। अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी होगा, तो आप लोग भी जो है इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे कि मैं उठा रहा हूँ। और ठीक है, आज का जो ब्लॉग है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का छोटा सा ब्लॉग जो है ना आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो भी जानकारी पूछ रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं मिदास, कमेंट कीजिएगा, मैं जितना हो सके जानता हूँ उतना आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रहेगा, अच्छे रहिएगा, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।